मुख्यमंत्री और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 4 फरवरी को देंगे 4,115 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा प्रदेश में नहीं है कानून का राज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मिलेनियम वोटर्स महाअभियान का हुआ शुभारंभ, युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर दिया गया जोर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में पति ने की पत्नी की हत्या। संत रविदास जयंती अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुई परिचर्चा, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के रोवर्स एवं रेंजर के प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की आम सभा। यूनियन के प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले स्वर्गीय के आर चटर्जी उर्फ दादा को दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता, प्रतिभागियों ने अपने हुनर का किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित हुआ रोजगार मेला, 835 आवेदकों को मिला रोजगार। सरदार नगर ब्लॉक में बस डीला इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ रोजगार मेला, प्रदेश के सिंचाई व सिंचाई यांत्रिक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा युवाओं के रोजगार के लिए जल्द ही संचालित होगी बहुत सारी योजनाएं। गोरखपुर कचहरी टाउन हॉल में 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का 6 फरवरी से होगा आयोजन। कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई चौपाल, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में गोरखपुर बना ऑल ओवर चैंपियन, देवरिया दूसरे और महाराजगंज को मिला तीसरा स्थान। मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री प्रकाश ने सेवानिवृत्त 66 अराजपत्रित एवं 2 राजपत्रित रेल कर्मियों को दी विदाई। बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने को निशुल्क हेल्पलाइन सेवा होगी शुरू। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 641वीं जयंती पर 72वें जन्मोत्सव समारोह पर निकाली गई भव्य झांकी।